हाय दोस्तों, आप सबका ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे रवि कुमार दहिया की जो बायोग्राफी है। रवि कुमार दहिया ने हाल ही में जो ओलंपिक हुए हैं उनमें सिल्वर मेडल जीता है। देखो, रवि कुमार दहिया की जीवनी हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। आप लास्ट तक बने रहना, फिर इसके बाद में क्विज होगी। देखो, रवि कुमार दहिया का जो जीवन परिचय है वो इस प्रकार है। नाम है इनका रवि कुमार दहिया, निकनेम इसको बोलते रवि कुमार, और स्पोर्ट्स है इसका फ्री स्टाइल रेसलिंग, ये इनका स्पोर्ट्स है। ये इवेंट है 57 किलोग्राम में भाग लेते हैं। देश है भारत। पिता का जो नाम है इनके राकेश दहिया, और इनके जो कोच हैं वो है सतपाल सिंह और वीरेंद्र कुमार। इसके दो कोच हैं रवि कुमार दहिया के, सतपाल सिंह और वीरेंद्र कुमार। इनकी जो लंबाई है 5 फुट 7 इंच 170 सेंटीमीटर। आँखों का रंग ब्लैक, बालों का रंग ब्लैक। देखो, पूरी जीवनी इनकी है। और इनका जो जन्म है रवि कुमार दहिया का, नहरी सोनीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा भारत में हुआ। देखो, इनका जो राष्ट्रीय है ये भारतीय, होम टाउन इनका हरियाणा, धर्म या रिलेशन है हिंदू, जाति है एक जाट, हरियाणवी जाट है ये। राशि इसकी जो, इसको छोड़ दीजिए आप। स्टेट है ये अविवाहित है। पसंदीदा जो रेसलर है वो है सुशील कुमार। देखो, भारतीय रेसलर रवि कुमार दहिया का जन्म हरियाणा के सोनीपत जिले के नहरी गांव में सन 1998 12 दिसंबर सन 1998 में हुआ था। वर्तमान में इनकी उम्र है 23 साल। देखो, ये रवि कुमार दहिया से संबंधित क्वेश्चन है। रवि कुमार दहिया की जो विश्व रैंकिंग क्या है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में तीसरे स्थान पर रहे, अंडर 23 कैटेगरी में दूसरे स्थान पर, एशिया चैंपियनशिप में पहले स्थान पर रह चुके हैं। रवि कुमार दहिया की उम्र 23 साल है। रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में प्रदर्शन क्या है, फाइनल में पहुंच चुके थे। मतलब ये जो टोक्यो ओलंपिक में इनका जो प्रदर्शन है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। रवि कुमार दहिया का जो वजन है वो है 57 किलोग्राम। रवि कुमार दहिया की जो जाति है वो जाट। रवि कुमार दहिया का जो धर्म है वो है हिंदू। देखो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होती से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट मिलते हैं, नेक्स्ट जीवनी रहेगी। देखो, इस खिलाड़ी की रहेगी भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन की जो जीवनी है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को।